वीडियो में व्यक्त विचार और राय पूरी तरह से अतिथि वक्ता के हैं। दर्शकों को विवेक की सलाह दी जाती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे बॉलीवुड भी कहा जाता है, आज दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां हर साल अलग अलग भाषाओं में तकरीबन 1500 से 2000 फिल्में प्रोड्यूस की जाती हैं और हजारों करोड़ों का बिजनेस किया जाता है। और इस इंडस्ट्री का गढ़ है मुंबई शहर। और जब बात बॉलीवुड, मुंबई और करोड़ों की हो, तो फिर माफिया का नाम तो फिर जुड़ ही जाता है। जी हाँ, तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, क्योंकि ये कहानी बॉलीवुड के सितारों की चमक की नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे होने वाले खेल की है। ये कहानी अंडरवर्ल्ड के बॉलीवुड की है, भाई का बॉलीवुड। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, देन जस्ट स्मैश दैट लाइक बटन एंड लेट्स रो। इस एपिसोड में हम बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड से जुड़े इतिहास पर बात करेंगे कि कैसे और कब अंडरवर्ल्ड का नाम बॉलीवुड से जुड़ा, कैसे अंडरवर्ल्ड ने फिल्म इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट और इन्फ्लुएंस किया, और अंडरवर्ल्ड से अलग होने की चुकाई गई कीमत और उठाए गए कदम के बारे में बात करेंगे। बॉलीवुड के वो किस्से जहाँ सितारों की चमक नहीं, उनकी मजबूरियाँ झलकती हैं। 1913 से ही बम्बई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बेस रहा। दादा साहेब फाल्के की पहली साइलेंट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत की। फिल्म इंडस्ट्री सालाना 200 से ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस कर रही थी। 70s के दौर में ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल चुकी थी, और ये बॉलीवुड हिंदुस्तानी कल्चर को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करने लगा, जिसे लाखों लोग जुड़ने लगे। इसीलिए बॉम्बे और हॉलीवुड के नाम को मिलाकर बना बॉलीवुड। बड़ी बजट की फिल्मों के लिए चाहिए बहुत बड़ा फाइनेंस, और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स के पास कोई आसान लीगल रास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि वो अपने घर या जेवर को गिरवी रखें ताकि अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर सकें। इसी वजह से कई अच्छी फिल्में फंड्स ना होने की वजह से अधूरी रह जाती थी और फिल्म्स रिलीज ही नहीं होती, और इस तरह प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स नुकसान उठाते। 1940s से 1950s तक प्रोड्यूसर्स एक्टर्स को साइन करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को टेरिटरी के हिसाब से शेयर ऑफर करते थे ताकि वो उनकी फिल्मों को फाइनेंस करें। अब ये टेरिटरीज क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन लेट 60s और 70s के दौर में स्टार सिस्टम आ चुका था। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार्स की फिल्मों को फाइनेंस अब एक अकेला फाइनेंसर्स के बस के बाहर हो चुका था। डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत 50% तक ही फंडिंग हो पाती थी, बाकी का 50% वो जमाने के टेक्सटाइल ट्रेडर्स, गारमेंट मर्चेंट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन किया करते थे। लेकिन ये फाइनेंसर्स प्रोड्यूसर्स को 60 से 100% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। प्रोड्यूसर्स के पास कोई और सोर्स ना होने की वजह से उनको ये शर्त माननी पड़ती और ऐसे ही पिक्चर बना करती थी। बॉलीवुड का क्रेज और स्टारडम दुनिया भर में फैलने लगा। ये बॉलीवुड फिर मुंबई अंडरवर्ल्ड की नजरों में आ गया। गैंगस्टर्स को बॉलीवुड एक्टर्स के स्टाइल और फेम ने पागल कर दिया। अंडरवर्ल्ड को बॉलीवुड का खेल और बॉलीवुड का पैसा समझ आने लगा था। ऐसे हालात में अंडरवर्ल्ड ने मौका देखकर फायदा उठाया। 1950 से 90s तक गवर्नमेंट लाइसेंस राज के नाम पर इकोनॉमी कंट्रोल किया करती थी कि क्या, कब और कैसे होगा। बॉलीवुड जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको सपोर्ट करने के बजाय उस पर मुश्किलें डाल दी गई। दरअसल गवर्नमेंट बॉलीवुड को इंडस्ट्री ही नहीं मानती थी, जिस तरह सीमेंट या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है उस तरह। फिर उस पर गवर्नमेंट ने बैंक्स को फिल्म फाइनेंस करने और इंश्योरेंस करने पर रोक लगा रखी थी। इंटरटेनमेंट टैक्स एक वजनदार बोझ बन गया था फिल्म मेकर्स के लिए। बॉलीवुड ऐसे कानून का तो अब कुछ कर नहीं सकता था, तो फिल्म मेकर्स को मजबूरन अंडरवर्ल्ड से हाथ मिलाना पड़ गया। अब गैंगस्टर्स अपने खतरनाक और बदनाम धंधों को छोड़कर बॉलीवुड को अपना ब्लैक मनी को वाइट करने की मशीन बनाना चाहते थे, और यहाँ से शुरू होता है
बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रोमांचक खेल। इस अंडरवुड यानी अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड के खेल का पहला खिलाड़ी था हाजी मस्तान। मस्तान ये समझ चुका था कि लोगों पर फिल्मों का काफी असर होता है। इस फिल्मी दुनिया की दौलत और शोहरत देखकर मस्तान भी उसका हिस्सा बनना चाहता था। उसने बॉलीवुड के ए लिस्ट एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ दोस्ती की और बॉलीवुड पार्टीज, फिल्म की प्रीमियर, मुहूर्त और इवेंट्स में फिल्मी लोगों के दरमियान मौजूद होने लगा और फिर एक्ट्रेस सोना के साथ शादी करके बॉलीवुड के साथ अपने रिश्ते बना लिए। अपने स्मगलिंग और ड्रग्स के इल्लीगल धंधों को फैलाने के लिए हाजी मस्तान ने फिल्म फाइनेंसर्स के साथ मिलकर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और फिल्म फाइनेंस के बिजनेस की शुरुआत की। हाजी मस्तान अपने काले धंधों को बॉलीवुड की चादर में छुपाया करता था। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा दोस्ताना भी नहीं था, क्योंकि हाजी मस्तान अपने पावर के दम पर फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को ब्लैकमेल भी किया करता था ताकि वो अपनी बात मनवा सके। और इस तरह मस्तान को सेलिब्रिटी गैंगस्टर बुलाया जाने लगा। हाजी मस्तान और करीम लाला फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाने की कोशिश में लग चुके थे। बॉलीवुड अब उन्हें क्रिमिनल्स के बजाय मॉडर्न डे रॉबिन हुड के तौर पे जानने लगा। इस वजह से फिल्म प्रोड्यूसर्स हाजी मस्तान जैसों से अपनी फिल्म फाइनेंस करवा लेते थे और मस्तान फिल्म फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर से एक बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर बन गया और बॉलीवुड के साथ उसके रिश्ते गहरे होते चले गए। पूरा फिल्म एक्टर पैर पड़ते थे। अमिताभ बच्चन क्या था वो, दीवार कैसा चमका, हाजी मस्तान के रोल में चमका जी। संजीव कुमार खास अच्छा दोस्त था, दिलीप कुमार और क्या, दिलीप कुमार तो एकदम खास, और क्या होता राज कपूर जी, राजकुमार, सब जितने फिल्म एक्टर बाप का खास है। उन्होंने कोई पिक्चरें बनाई है, बहुत पैसा दिया है। अच्छा, क्या क्या पैसा, आप पैसा लेके जाते थे, गोलमाल होते थे, मरते थे। तो देख लिया आपने, अब प्रोड्यूसर्स को पहले जैसी फंड्स की कमी नहीं थी। माफिया और प्रोड्यूसर्स के दरमियान एक ऐसा सिस्टम बन चुका था जहां गैंगस्टर्स अपने ब्लैक मनी से फिल्म को फाइनेंस करते थे और बॉलीवुड उनकी ब्लैक मनी को वाइट करता था। और धीरे धीरे बॉलीवुड के सिस्टम में हवाला का तरीका भी इस्तेमाल होने लगा। एक कानूनी रोक का फायदा उठाकर अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था और इस तरह बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड की वॉशिंग मशीन बन गया था। तो हमने आपको अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के कनेक्शन का इंट्रोडक्शन दे दिया। तो कहानी की शुरुआत करते हैं 80s के दौर से, जहां अंडरवर्ल्ड ने पहली बार बॉलीवुड के साथ अपने पंजे आजमाए थे। बॉलीवुड हाजी मस्तान से काफी इन्फ्लुएंस हुआ करता था, फिल्मों की कहानी में भी उसका असर दिखाई देने लगा था। रियल लाइफ में हुई घटनाओं को फिल्म की स्टोरी में शामिल किया जाने लगा। शायद प्रोड्यूसर्स मस्तान को खुश रखना चाहते थे ताकि मस्तान उनकी फिल्म को फाइनेंस करता रहे। कहा जाता है कि मस्तान ने फिल्मों को अपनी इमेज करेक्शन का जरिया बनाकर रखा था। फिल्म राइटर्स को अंडरवर्ल्ड से जुड़ी और उनकी बताई गई कहानी लिखने को कहा जाने लगा। सुनने में ये बात बहुत ही छोटी नजर आती है कि तो क्या अगर अंडरवर्ल्ड से कहानी और किरदार ले जा रहे हो, पिक्चर तो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए होती है। लेकिन अब बात सिर्फ लोगों के एंटरटेनमेंट की नहीं थी, ये बात सच है कि फिल्मों से हम सब की रियल लाइफ पर काफ़ी असर होता है। हम अच्छी और बुरी फिल्मों से इंस्पायर और इन्फ्लुएंस होते हैं। अंडरवर्ल्ड ने फिल्मों को खतरनाक हथियार बना लिया था। फिल्मों के जरिए गैंगस्टर्स अपने ब्लैक मनी को कवर अप कर लेते थे। गरीबों का मसीहा, रॉबिन हुड जैसे टाइटल्स देकर गैंगस्टर्स अपनी नेगेटिव इमेज भी सुधार लेते थे। पॉलिटिकल मुद्दों से गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाने लगा था और इस वजह से ग्लोबल लेवल पर इंडियन कल्चर पर दाग लगने लगे थे, क्योंकि फिल्में कल्चर, संस्कृति और मान्यताओं को दर्शाने का एक प्लेटफॉर्म होती है। बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड का अब एक ऐसा वॉशिंग मशीन बन गया था जहां ब्लैक मनी और कैरेक्टर दोनों की व्हाइट वॉशिंग की जा रही थी। तब बॉलीवुड में क्रिमिनल्स और क्राइम को जस्टिफाई और ग्लोरीफाई करने का सिलसिला शुरू हुआ। 80s तक हाजी मस्तान ने बॉलीवुड का इस्तेमाल करके अपनी इमेज को इस काबिल बना लिया था कि 1983 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर सोशल वर्क शुरू कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ पठान गैंग दाऊद इब्राहिम के भाई साबिर इब्राहिम के मर्डर के बाद से फरार थे और डी कंपनी अंडरग्राउंड थी। पुलिस डिपार्टमेंट पठान वर्सेस डी कंपनी की क्राइम मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पा रही थी। और फिर 82 में दिन दहाड़े एक ऐसा क्राइम किया जाता है जो सिर्फ बंबई पुलिस को ही नहीं बल्कि बॉलीवुड को चौंका देता है।
22 सितंबर 1982 को वर्ली के एनी बेसेंट रोड पर एक अम्बेसडर कार एक फीएट कार को ओवरटेक करते हुए उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है और उसके सामने स्किड करते हुए रुक जाती है। फिर तीन लोग तुरंत उस अम्बेसडर कार से उतरते हैं जिनके हाथों में चॉपर, गन और खुली तलवार होती है। ये किडनैप था मुशीर आलम का, जो बॉलीवुड में अपने पार्टनर मोहम्मद रियाज के साथ मिलकर एक कंपनी चलाते थे, MR Productions Private Limited के अंडर फिल्म प्रोड्यूस किया करते थे और मुशीर रियाज के नाम से जाने जाते थे, जिसने 1976 की फिल्म बैराग से लेकर 82 की फिल्म शक्ति और 97 में आई फिल्म विरासत जैसी कई सुपरहिट फिल्में प्रोड्यूस की थी। दरअसल हुआ ये कि हर रोज की तरह मुशीर आलम करीब 4:30 बजे अपनी ऑफिस MR प्रोडक्शन से अपनी दोस्त हरीश सुगंध के साथ मिलकर निकले। उन्हें हाजी अली के पीछे एक ऑफिस पर ड्रॉप करके लौट रहे थे जब अचानक एक वाइट एम्बेसडर कार मुशीर आलम की गाड़ी को ओवरटेक करके उनका रास्ता रोक देती है। इससे पहले कि उस फीएट में मौजूद मुशीर आलम कुछ समझ पाएं कि ये क्या हो रहा है, ये तीनों आदमी फीएट की तरफ दौड़ते हैं और उस कार में बैठे शख्स को उसकी गाड़ी से खींच कर बाहर निकालते हैं और उसे अपनी एम्बेसडर कार की पिछले सीट के बीच में धकेल कर बैठ जाते हैं। फिर वो दो आदमी पिछले दरवाजे से पिछली सीट पर बैठ जाते हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। फिर वो अम्बेसडर कार वहां से चल पड़ती है। दिन दहाड़े एक नामचीन प्रोड्यूसर का किडनैप कर लिया जाता है। बंबई की सबसे बड़ी किडनैपिंग 1 मिनट से भी कम समय में हो जाती है। अपने अड्डे पर पहुंचने के बाद किडनैपर्स ने मुशीर आलम की आंखों से पट्टी उतार ली, उसे एक कुर्सी पर बैठा कर उसे बांध दिया। फिर कुछ घंटों तक मुशीर आलम को लाफे मारे, उन्हें गालियां दी और डराया धमकाया गया। किडनैपर्स की बातों से मुशीर को समझ आ गया कि ये लोग खतरनाक हैं और वो उसके फिल्म बिजनेस के बारे में काफी कुछ जानते हैं। किडनैपर्स ने मुशीर से 25 लाख की मांग की थी उस वक्त के। अपने हालात को अच्छी तरह से समझते हुए मुशीर ने अपने पार्टनर, क्योंकि उनके ब्रदर इन लॉ भी हैं, उनको कॉल किया और उन्हें पैसों का बंदोबस्त करने के लिए कहा। और फिर किडनैपर्स ने रियाज को पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं ये बताया और उन्हें पुलिस से सख्त दूर रहने के लिए कहा जाता है। रियाज उनकी बात मानकर रात के करीब 9 बजे अपने दोस्त हरीश सुगंध के साथ 2,80,000 रुपए कैश लेकर बताए गए ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। किडनैपर्स ने 25 लाख रुपए की मांग की थी, मगर इतने कम वक्त में जो भी रियाज और हरीश से हो सका वो बस इतने ही थे। मुशीर आलम ने किडनैपर्स को वादा किया कि अगर वो उन्हें छोड़ देते हैं तो वो बाकी की रकम बहुत ही जल्द उन्हें दे देंगे। खैर, डेस्परेट किडनैपर्स ने 2,80,000 रुपए लेकर ही मुशीर को आजाद कर लिया और उनकी आफत टल गई। फरवरी 1981 में साबिर इब्राहिम के मर्डर के बाद माहौल काफी नाजुक हो गया था। सारे गैंगस्टर्स उस वक्त अंडरग्राउंड हो चुके थे और बम्बई पुलिस के पास मर्डर केसेस की फाइल पहाड़ की तरह जम चुकी थी। ऐसे हालात में दिन दहाड़े की गई किडनैपिंग के बारे में पुलिस को भनक भी नहीं लगी थी। ये केस तब सामने आया जब बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार खुद मुर्शीद रियाज के साथ क्राइम ब्रांच के हेडक्वार्टर पहुंचे और इस किडनैपिंग के सिलसिले में पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरियो से मुलाकात की। दिलीप कुमार ने कमिश्नर रिबेरियो को पूरे किस्से के बारे में बताया। फिर कमिश्नर रिबेरियो ने अपने सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे को ये केस सौंप दिया। सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे और इंस्पेक्टर इसाक भगवान ने दिलीप कुमार और मुशीर आलम से वाकिया मुतालिक सवाल पूछे और उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की। मुशीर आलम ने उन्हें 2 दिन पहले हुई अपनी किडनैपिंग की कहानी सुनाई। सुराग को ढूंढने की कोशिश में मुशीर आलम के कुछ और सवाल किए गए। अहम सुराग सामने आया। दरअसल जब किडनैपर्स ने मुशीर आलम की आंखों पर पट्टी बांधी थी तो उस पट्टी में थोड़ा सा गैप रह गया था, जिसकी वजह से मुशीर को कोशिश करने पर धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तो जब उन्हें किडनैपर्स अपनी कार में ले जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में शोले फिल्म का बड़ा पोस्टर दिखा और करीब 10-12 मिनट के फासले पर गाड़ी रुकी। फिर किडनैपर्स ने उन्हें खींच कर बाहर निकाला और लकड़ी की सीढ़ियों से होकर उन्हें किसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर ले गए और फिर कुछ कदम चलने के बाद मुशीर को बच्चों की कुरान पढ़ने की आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर इसाक बागवान
मुशीर आलम की कही हुई बातों को अपनी डायरी में नोट तो कर रहे थे, मगर उनको लोकेशन या डिस्क्रिप्शन से कुछ अंदाजा तो हो ही रहा था कि किस जगह की बात हो रही है। एक थिएटर जहां शोले के बड़े पोस्टर हैं। एनी बेसेंट रोड से 10 से 12 मिनट का रास्ता, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों वाली बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर पर बच्चों का मदरसा। उस दौर में इंस्पेक्टर इसाक बागवान को बहुत ही रिसोर्सफुल पुलिस वाला माना जाता था। उन्होंने तुरंत अपने सारे खबरियों को इन्फॉर्म किया और इन्वेस्टिगेशन में जुट गए। फिर इंस्पेक्टर बागवान को उनके एक खबरी बदरुद्दीन, जिसे बद्र भी कहा जाता था, कॉल करके कमाठीपुरा के कादर बिल्डिंग में आलमजेब खान की ऑफिस का एड्रेस देता है। जी हाँ, वही आलमजेब अमीरजादा और जाफर इस्माइल सिद्दीकी जो साबिर इब्राहिम के मर्डर के बाद से फरार थे। ये पठान गैंग पहले से ही पुलिस की वांटेड लिस्ट में थी। इंस्पेक्टर बागवान तुरंत अपनी टीम को खबर की और अपनी सीनियर जिंदे साहब को भी इन्फॉर्म करने के बाद कमाठीपुरा के लिए निकल पड़े। कमाठीपुरा जैसे इलाका जहां जिस्म फरोशी का बाजार हुआ करता है, पुलिस का आना जाना कोई नई बात नहीं थी। हफ्ता वसूली और छोटे मोटे छापे आम बात हुआ करती थी। पुलिस टीम ने कमाठीपुरा के फिफ्थ लेन पर मौजूद कादर बिल्डिंग को घेरे में ले लिया और इंस्पेक्टर बागवान ने खुद बिल्डिंग में जाकर आलमजेब की ऑफिस में छापा मारा। लेकिन उस ऑफिस में एक सलीम भंगी नाम के शख्स ने अलावा और कोई नहीं था। ये सलीम ऑफिस की देखभाल किया करता था और आलमजेब और शहजादे के काम किया करता था। फिर इंस्पेक्टर बागवान ने इस सलीम को अरेस्ट किया और उसे क्राइम ब्रांच ले गए। इंटरोगेशन से इस सलीम के बारे में पता चलता है कि वो अबू कालिया के मर्डर में शामिल था और फिर उसने कबूल कर लिया कि उसी ऑफिस में आलमजेब और अमीरजादा ने मुशीर आलम को किडनैप करके रखा था। उसने पुलिस को शहजादा का लोकेशन के बारे में बताया, लेकिन वो दोनों पठान आलमजेब और अमीरजादा की लोकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। सलीम ने पुलिस को आलमजेब के फादर का पता लगाने को कहा। इंस्पेक्टर बागवान फौरन अली बिल्डिंग के लिए निकल पड़े जहां उसके फादर जंगरेज खान रहते थे। पुलिस ने जब जंगरेज खान से पूछताछ की तो जंगरेज खान ने आलमजेब का वडोदरा अहमदाबाद का पता दे दिया। सीनियर इंस्पेक्टर जेंडे ने दो टीमें बनाई थी। टीम ए जिसमें सब इंस्पेक्टर बविस्कर, जेरेमिया, हेड कांस्टेबल नारायण परब और कुछ हवलदार थे, जो वडोदरा अहमदाबाद के कालूपुरा एरिया पहुंचे। और वही टीम बी थी जो कि पुलिस इंस्पेक्टर भास्कर सतम, इंस्पेक्टर इसाक बागवान और कुछ हवलदार थे, जो नागपुर एक्सप्रेस से मलकापुर पहुंचते शहजादा की तलाश में। लेकिन ये खबर गलत निकली और टीम बी बंबई खाली हाथ लौट आई। मगर टीम ए के पास सलीम और जंगरेज खान से मिली हुई लीड थी। एक वाइट एम्बेसडर कार जिसका नंबर GUJ7999 है और एक मटके का अड्डा यानी जुए का अड्डा जो एक होटल के पीछे है। फिर कांस्टेबल परब को वो वाइट एम्बेसडर कार दिखाई देती है जो एक मटके के अड्डे के सामने पार्क थी। कांस्टेबल परब ने गाड़ी का नंबर को कंफर्म किया और फिर पुलिस अमीरजादा को मटके के अड्डे से गिरफ्तार कर लेती है और बंबई ले आती है। इंटरोगेशन में अमीरजादा ने बताया कि उन्हें मुशीर आलम की टिप किसी सैयद अहमद खान से मिली थी जो वंजावाड़ी माहिम में रहता था। पुलिस ने फिर सैयद अहमद खान को उसके घर से अरेस्ट कर लिया और अमीरजादा के फादर नवाब खान से भी पूछताछ की और उनके घर के आंगन से पुलिस ने हथियारों के एक बड़ा जखीरा भी जब्त किया, जिसमें .12 बोर की 3 राइफल, अलग अलग किस्म की चीनी और जर्मन माउजर्स और 300 से भी ज्यादा कार्ट्रिजेस बरामद हुए थे। सोच के देखिए। पुलिस जब सैयद अहमद खान से मुशीर आलम की किडनैपिंग के सिलसिले में सवालात कर रही थी तो पुलिस को पता चलता है इसके दो भाई मोहम्मद सलीम और अब्दुल वहाब बैंड्रा में माउंट मेरी चर्च के पास रुस्तम मंजिल में रहते हैं। अब्दुल वहाब एक स्ट्रगलिंग एक्टर था और अहमद फिल्म कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर था। माहिम में अहमद का एक दोस्त था अबू बकर। एक दिन अबू बकर अहमद को भिंडी बाजार में अमीरजादा से मुलाकात करवाई और फिर अमीरजादा की बहन की शादी में अमीरजादे ने अहमद को आलमजेब, शहजादा और महमूद कालिये से मिलवाया। गैंगस्टरों से मुलाकात अहमद को काफी पसंद आ रहा था और उनकी दोस्ती काफी गहरी होती चली गई। एक दिन जुलाई 1982 में अमीरजादा और आलमजेब अहमद के घर आते हैं और कहते हैं कि वो इसलिए आए हैं क्योंकि अहमद फिल्म इंडस्ट्री में है और वो चाहता है कि अहमद उनसे एक ऐसे शख्स के बारे में बताए
जिसका ब्लैक मनी कहीं फंसा हुआ है और वो अपने पैसा वसूल नहीं कर पा रहा है। अहमद ने उन्हें मुशीर रियाज के दोस्त हरीश सुगंध के बारे में बताया। हरीश अपनी शानदार ऑफिस ग्लैमर कलर में बॉलीवुड फिल्मों की पब्लिसिटी का काम करता था। दरअसल हरीश ने अहमद के साथ 1981 में आई फिल्म तजुर्बा में साथ काम किया था। और करीब एक महीने पहले ही जब अहमद और उसका भाई सलीम हरीश के साथ माहिम के चंद्रकांत स्टूडियो गया था एक मीटिंग के लिए, उस मीटिंग में अहमद को ये पता चला कि हरीश के ऑफिस में मुशीर रियाज के 90 लाख रुपए हैं और इस तरह इन पठानों को अपना पहला और आसान टारगेट मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर मुशीर आलम मिल गया। मुशीर आलम के किडनैपिंग में शहजादा और लियाकत भी शामिल थे। पुलिस डिपार्टमेंट हैरत में थी कि आमिरजादा आलमजेब जैसे पठान, जिन्होंने पिछले साल ही दाऊद के भाई साबिर को मारकर एक खौफनाक हालात पैदा कर दिए थे, जिस वजह से डी कंपनी अंडरग्राउंड हो गई थी, उन्हें किडनैपिंग जैसे क्राइम करके पैसे लेने पड़े, जबकि उस दौर में पठान गैंग एक्सटॉर्शन से भी पैसे निकलवा सकती थी। लेकिन शायद दाऊद और साबिर को मारने की जंग में पठान गैंग ने बहुत बड़ी कीमत चुका दी थी कि उन्हें अपनी गैंग को चलाने के लिए किडनैपिंग जैसे क्राइम करने पड़े और अपने दोस्त अहमद खान के जरिए मुशीर रियाज जैसे बॉलीवुड प्रोड्यूसर को टारगेट बनाते थे। ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि पुलिस सिर्फ एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स के किडनैपर को नहीं बल्कि बंबई के सबसे बड़े गैंग वॉर किलिंग्स में शामिल गैंगस्टर्स को अरेस्ट किया था। मिड 80s में हाजी मस्तान अपने पॉलिटिकल करियर के चक्कर में था। दूसरी तरफ करीम लाला 70s की एज में अंडरवर्ल्ड की मेनस्ट्रीम एक्टिविटीज से हटकर अपनी पठानी कम्युनिटी के कुछ लोकल सेटलमेंट्स के काम करने लगा। अपने भाई साबिर के मर्डर के बदले में दाऊद ने पठान गैंग को खत्म कर दिया था। अंडरवर्ल्ड का मैदान दाऊद के लिए उस कटी पतंग की तरह था जिसको लूटने वाला कोई नहीं था। दाऊद ने अंडरवर्ल्ड में कॉर्पोरेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया और डी कंपनी के नाम से अपना एम्पायर खड़ा कर दिया और हाजी मस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए बॉलीवुड के दरवाजों को खटखटाया। भारत से फरार होने के बाद दाऊद ने दुबई से बंबई को रिमोटली कंट्रोल किया और बॉलीवुड स्टार्स से दुबई में अपनी शाम रंगीन बनाता था। फिल्मी दुनिया के लोगों को दाऊद की पार्टीज अटेंड करनी पड़ती थी। ये बॉलीवुड के वो काले दिन थे जहां सुपरस्टार्स मजबूर और बेबस होकर भी चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ नजर आते थे। Mr. Rai is not well. 1990 की शुरुआत तक अंडरवर्ल्ड ने, या फिर यूं कहें कि डी कंपनी ने, अपनी जड़ें बॉलीवुड में मजबूत कर ली थी। अंडरवर्ल्ड अपने काले धंधे जैसे एक्सटॉर्शन, इलीगल ड्रग्स और गोल्ड की स्मगलिंग से कमाए हुए पैसों से फिल्म को फाइनेंस करता था। प्रोड्यूसर्स को बहुत ही मामूली इंटरेस्ट रेट्स पर पैसे मिल जाते थे। प्रॉफिट और लॉस में 50% अंडरवर्ल्ड ले जाता था। अंडरवर्ल्ड का ये तरीका प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर्स को काफी सिंपल और फेयर नजर आ रहा था। प्रोड्यूसर्स खुशी खुशी इन कंडीशंस को मानकर पैसे ले लिया करते थे। फिर 1991 में प्राइम मिनिस्टर ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाकर लाइसेंस राज के सिस्टम को खत्म कर दिया और बाजारों को खोल दिया। अब कोई इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन नहीं था। भारत में अपॉर्चुनिटीज का जैसे सैलाब आ गया था और इस सैलाब का फायदा उठाने वालों में सबसे आगे था अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड, यानी भाई का बॉलीवुड, जो उस वक्त तक सिर्फ समुन्दर के किनारे पर ही तैर रहा था। अब बारी थी गहराइयों में डुबकी लगाने की। खेल अब बड़े लेवल पर होने वाला था। अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड में इतनी हद तक फैल चुका था कि 80-90% फिल्में अंडरवर्ल्ड के पैसों से ही बनाई जा रही थी। प्रोड्यूसर और गैंगस्टर्स के बीच रिश्ते इतने गहरे हो गए थे कि अंडरवर्ल्ड के लोग फिल्म के सेट पर भी नजर आने लगे थे। जिस तरह तेलगी स्कैम में फेक स्टैम्प पेपर्स इस तरह सिस्टम में फैल चुके थे कि अथॉरिटीज को फेक स्टैम्प पेपर्स को लीगली एक्सेप्ट करना पड़ गया, ठीक उसी तरह माफिया फंडेड फिल्म्स बॉलीवुड में इतनी तादाद में बन चुकी थी कि उन सब पर ब्लैंकेट बैन लगाना, यानी 90 से 2001-2002 तक की फिल्मों को, यानी करीब 10 से 12 साल की फिल्मों पर रोक लगाना, जो शायद 3000 फिल्मों के आसपास होंगी, ये अथॉरिटीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। बम्बई में डी कंपनी के काफ़ी धंधे थे, जिसमें इलीगल धंधे तो थे ही,
साथ ही साथ कुछ लीगल बिजनेसेस भी थे। उन इलीगल धंधों को छुपाने का एक जरिया था। खेल लाखों का नहीं करोड़ों का था। दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम इन धंधों को देखा करता था। दूसरा भाई था नूरुल हक, जिसे नूरा के नाम से जाना जाता था। नूरा बॉलीवुड का हिस्सा बनकर बहुत खुश था। नूरा शेर व शायरी करता था और उसने नूर कासकर के नाम से बॉलीवुड में कई गाने भी लिखे। नूरा वो है जिसने फिल्मों के लिए गाने भी गाने लिखे जो एक शायर शायर मिजाज आदमी था और उसने नाम बदल करके कई फिल्मों के अंदर गाने भी लिखे। नूरा को जो है वो फिल्मों में जो ज्यादातर टपोरी किस्म के गाने टपोरी के उसके अल्फाज आप उठा करके देखिए ना उसने क्या इस्तेमाल किए हैं। तो शायर मिजाज का आदमी था काफी जो गाने लिखता था। 1991 में आई फिल्म पत्थर के फूल, 1992 की फिल्म महबूब मेरे महबूब और ऋषि कपूर की 1993 की फिल्म श्रीमान आशिक के गाने भी नूरा के ही लिखे हुए थे। और इसके अलावा भी कहा जाता है कि नूर कासकर ने कई और गाने भी लिखे हैं कुछ और नाम से जो शायद ही किसी को पता हो। फिर कुछ सालों बाद नूर कासकर ने अपने भाई दाऊद इब्राहिम को फॉलो करते हुए इंडिया छोड़ दिया और कराची में रहने लगा, जहाँ पर वो फाइनली इस दुनिया से चल बसा। जहाँ 80s के सुपरस्टार्स अंडरवर्ल्ड पार्टीज और शोज में बिजी थे, वहीं नए जमाने के सुपरस्टार्स की एंट्री हो रही थी। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन के लाखों लोग दीवाने हो रहे थे और फैंस उनकी एक झलक के लिए राह देखा करते थे। लेकिन तब बॉलीवुड में होती है एक कैप्टन की भी एंट्री। Mohammad Azharuddin, many, many congratulations. You must be delighted. क्रिकेट का कैप्टन नहीं, बॉलीवुड का कैप्टन। जी हाँ, जिसका नाम अरसलान मोहसिन भी था। एक ऐसा शख्स जिसके नाम से ही बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पसीने छूट जाते थे। ये कैप्टन की कहानी को हम आज बात नहीं करेंगे। इस भाई का बॉलीवुड वाले एपिसोड का ये पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको उस कैप्टन की कहानी को कंटिन्यू करेंगे, जिसके लिए आपको करना है सब्सक्राइब, क्योंकि ये तो बस इंट्रोडक्शन था। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दो। ये अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड पर बेस्ड एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। हो सकता है आपके फीडबैक से अगला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग हो जाए। नेक्स्ट पार्ट हमारा बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि कैप्टन की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डोंट फॉरगेट टू स्मैश दैट लाइक बटन। टेक केयर। जय हिंद। Thank you.